नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल माँ शाकंभरी कोचिंग फॉर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th में प्रश्नावली 1 वैदिक गणित। इसका पहला पार्ट है निकलन विधि से भाग दीजिए। इसमें आपके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। निकलन विधि का नाम आते हैं आपके दिमाग में, आधार, उपाधार और विचलन तीनों बातें आ जानी चाहिए। अगर संख्या 90 से अधिक आ जाए या 90 के आसपास में आ जाए तो हम आधार मानेंगे 100। अगर संख्या 90 से कम आती है तो आधार मानेंगे 10। इसका पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 1245 में भाग देंगे 97 का निकलन विधि से। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले आपको 3 खंड बनाने पड़ेंगे, 1, 2, 3। यहाँ पर पहले वो संख्या है जिसका हम भाग दे रहे हैं, यानी भाग देंगे 97 का, तो आधार हो जाएगा अपना 100, क्योंकि मैंने लिखा है अगर संख्या 90 से अधिक हो तो आधार मानेंगे 100, तो मैं आधार मान रहा हूँ 100। अब 97 में इतने जोड़ो कि 100 हो जाए। अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो यहाँ 100 प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो, तो यहाँ पर 2 अंक होना जरूरी, इसलिए मैं दूसरा अंक 0 के रूप में ले रहा हूँ। यहाँ 2 जीरो है तो पीछे वाले 2 अंक भी पीछे वाले कोष्ठक में आ जाएंगे। अब बच्चे यहाँ पर 12 हैं। अब यहाँ पर पहली संख्या कोई सी भी हो, सेम टू सेम यहाँ उतार देंगे। 1 का 1 आ गया। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 आता है। फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 आते हैं। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें 2 प्राप्त होते हैं। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 आते हैं। अब इनको जोड़ेंगे, 5 और 6 हो गए 11, असल के 1, 1 और 4 5, 5 और 3 8। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हमेशा भाजक बड़ा होता है शेषफल से, और यहाँ भाजक 97 है और शेषफल छोटा है, अतः हमारा उत्तर हो जाएगा भागफल आ गया 12 और शेषफल आ गया 81। यह आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी प्रकार हल करेंगे। 311 में भाग देंगे 8 का, यानी हम जिस संख्या का भाग देंगे उस संख्या को हम यहाँ उतार देंगे, 8 उतार दिया। और मैंने बता रखा है अगर संख्या 90 से कम आ जाए तो आधार मानेंगे 10, तो इसका आधार हो जाएगा 10। अब 8 में इतने जोड़ो कि 10 प्राप्त हो जाए। मैं यहाँ पर 2 जोड़ता हूँ तो 10 प्राप्त होते हैं। यहाँ पर 1 जीरो है तो पीछे वाला 1 यहाँ पर आ गया, बच्चे 31 मैंने उतार दिया। अब 3 के 3 उतार देंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 आते हैं। 6 और 1 हो गए आपके 7। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आते हैं 14। इनको जोड़ते हैं तो यहाँ आते हैं 15। और मैंने बता रखा है कि हमेशा भाजक बड़ा होना चाहिए शेषफल से, अब लेकिन यहाँ पर भाजक छोटा और शेषफल बड़ा है। अब जैसे 8 का भाग 15 में जाता है एक बार, तो हम यहाँ उतार देंगे 1 और माइनस करेंगे 8, इधर भी कर देंगे -8। इनको जोड़ेंगे, 7 और 1 हो गया 8, यहाँ आ जाएंगे 3 के 3, 15 में 8 गए तो बच जाएंगे 7। अतः आपका भागफल आ गया 38 और शेषफल आ गया 7। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 88 का भाग देंगे 1013 में। मैंने आपको बताया अगर संख्या 90 से अधिक आ जाए या 90 के आसपास में आ जाए तो आधार मानते हैं 100, और यहाँ पर संख्या 88 है तो हम आधार मानेंगे 100। अब 88 में इतने जोड़ो कि 100 प्राप्त हो जाए। अगर हम 88 में 12 जोड़ते हैं तो हमें 100 प्राप्त होते हैं, और यहाँ पर 2 जीरो है तो पीछे वाले 2 अंक यहाँ पर आ जाएंगे। अब बच्चे यहाँ पर 10 उतार देंगे। अब वो स्टेप है, यानी पहली संख्या कोई सी भी हो सेम टू सेम उतार देंगे। 1 का 1 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 आता है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आते हैं। अब इनको जोड़ते हैं, 0 और 1 हो गया 1। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 आता है। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आता है। अब इन सभी को जोड़ेंगे, यानी 3 और 2 हो गया 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4। और मैंने बताया कि भाजक हमेशा बड़ा होता है, और इसमें भाजक बड़ा है, अतः हमारा भागफल हो जाएगा 11 और शेषफल हो जाएगा 45। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा।